हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रोहित पुंगाल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। मैं और सिद्धार्थ भाई रात को यहीं रुके थे और हमारा चेहरा देख सकते हो आप, जस्ट अभी उठे हैं, फ्रेशन अप हुए हैं और फिर आपको खाना गिर गया था, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। और ये लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो आज का टाइटल आपने देख लिया, थंबनेल देख लिया है, एक न्यू पप्पी आ गया है। हमने एक न्यू पप्पी, मतलब यूं मानो फार्म पे न्यू पप्पी आ गया है और मानना क्या रियलिटी है वो। सो उसको भी दिखाएंगे, पर उससे पहले एक अपडेट देते हैं फार्म पे हो गया है। आज दिखाते हैं, ये हमारे आसमा शेफ बने हुए इस टाइम। आसमा शेफ, केक बना दिया, अंडे उबल रहे हैं भाई। ये भैरव को मिलेंगे और जो हमारा नया पप्पी आया उसका एक एग है। और ये और क्या बनाया, रोटी बना दी भैरव की, भैरव मल्टीग्रेन चपाती खाते हैं, साथ में दही वगैरह लाए हुए हैं और चीजें। पनीर का है, पनीर अब बन रहा है, अब पनीर देखो, ये पनीर भी बन रहा है। आज एक्चुअली मैं घर नहीं गया था तो दूध मेरे को यहाँ से ला के देना पड़ा, ये अपने दूध डाल के, और पनीर बन रहा है। और एक और अपडेट देखो, ये अपने फ्लावर्स आ गए हैं रोज ये कलर में भी, जो ट्रेडिशनल है, और ये वाला कलर भी है अपने पास। और ये वाले देखो, ये ना हमने इतने सारे ये पौधे लगाए थे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताना कौन कौन पहले से आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आपने ये वाले जो पौधे हैं ना ये यहाँ लगवाए थे। जैसे ये देखो, ये मेरी थोड़ी सी डाली रह रही है और ये बीच बीच में हर जगह थे, बट वो सारे इना मीना और इन्होंने खा लिए। और ये देखो बस एक ही ये बचा हुआ था, पर इसमें आ गया फ्लावर्स, ये देखो। हाँ तो और अब आपका जो वेट है ना, जो पहले एक बता देता हूँ, जो गोल्डन रिट्रीवर पपीज थे हमने, वो उसमें सिर्फ फीमेल अवेलेबल है, अब और सारे चले गए हैं बच्चे। तो फीमेल किसी को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पेडोस्टी का नंबर आप कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहाँ भी देख लो नंबर एक बार, आप कॉल कर सकते हो। जिसको नहीं पता पेडोस्टी क्या है भाई, पेडोस्टी हमारी एक फार्म है, पेडोस्टी फार्म है ये हमारा, जहाँ इस टाइम हम खड़े हैं, जो नए बंदे होंगे। तो यहाँ पे हम फैसिलिटी देते हैं आपको कि हम डॉग ट्रेनिंग फैसिलिटी देते हैं, डॉग डे बोर्डिंग, डॉग हॉस्टल फैसिलिटी है, और जो हम यहाँ ब्रीड करते हैं उसके पपीज भी अवेलेबल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो ही ब्रीड में काम करते हैं, गोल्डन रिट्रीवर और रॉटवाइलर। सो गोल्डन रिट्रीवर मेरे पापा की फेवरेट है, रॉटवाइलर मेरी फेवरेट है, तो इन दो ही ब्रीड में काम करते हैं। और अभी आपको सरप्राइज देता हूँ, ये रहा हमारा प्यारा पप्पी। सो ये हमारा नया पप्पी आ गया, ये हमारा नया पप्पी आ गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो आप लोग पूछोगे भाई नया पप्पी कहाँ से आ गया, सो ये कोई सेल के लिए नहीं है, क्योंकि रॉटवाइलर में हम ब्रीड में काम करते हैं तो कई सोचेंगे सेल के लिए, बट ये पप्पी हमारे पास फरीदाबाद से आया है फॉर ट्रेनिंग पर्पस। तो मैंने अभी बताया था हमारे पास ट्रेनिंग ऑप्शन है पेंडोबस्टी पे, सो ट्रेनिंग पे हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, तो ये नया स्टूडेंट आ गया हमारे पास। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहता हूँ, घूमते घूमते बात कर लेते हैं। अब आपको एक और डॉग दिखाता हूँ, इधर आओ, यहाँ से देखो, ये रहा भैरव, दिख रहा है ना, ये देखो ये भैरव है, ये डॉग है, ये भी ट्रेनिंग पे आया हुआ है। एक तो उस एज में आए हैं, उस एज में क्या होता है भाई कि ना चांसेस 50-50% हो जाते हैं कि वो ट्रेंड होगा या नहीं होगा, और एक इस एज में पप्पी आए इसके 100% चांसेस होते हैं। सो ये इसके ओनर ने हम पे भरोसा करा है और उन्होंने हमारे पास ये पप्पी भेजा है। इवन वो कल आए थे, कल मेरे ध्यान से निकल गया कि व्लॉग में थोड़ा सा शूट कर लूँ, तो अब ये वो बीच में आएंगे तब आपको मिलाऊंगा उनसे। तो ये हाँ, ये फरीदाबाद से आया हमारा बच्चा ट्रेनिंग के लिए। और ये दो तीन चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई इस एज में ना पप्पी बहुत बढ़िया परफेक्ट तरीके से ट्रेंड हो जाएगा। अब इसका कोर्स चलेगा, 3 मंथ्स का कोर्स है, और ये यहाँ पे ही सारी चीजें करेगा। इसकी इवन पोटी ट्रेनिंग, A to Z 18 कमांड्स होती है, वो सारी इसकी ट्रेनिंग होगी, सारी कमांड सिखाई जाएगी। और एक्टिविटी पूरा है, सुबह सुबह आसमान ने खाना दिया ना, क्योंकि लक्की छोटा तो इसको 4 टाइम खाना मिलेगा, और इसका चल रहा है रॉयल के नाइन। आज वो रॉयल के नाइन भी दिखा देता हूँ आपको, आए रहे तो आज सारी चीजें दिखाई देते हैं।
इस चीज को बेयर करना, हम रात को सोए थे, ये सीसी चला गए, तो यहाँ पे ये देखो, ये ना लक्की का एक पैकेट स्टार्टर, ये वाला खोला हुआ है, ये चल रहा है इसका, और ये एनएनडी है, ये भैरव का है, ये एनएनडी भैरव का है जो आपको भी बड़े वाला था। और ये लक्की भी अंदर आ गया, चल लक्की मुझ चलते, अरे मैं बिट्टू, इसको दिखाओ, आजा लक्की, दोस्तों मैं ये अपडेट देना चाहता था आप लोगों को फार्म की। और एक हमारे यहाँ पे ना घोंसला बना हुआ है, नेस्ट बनाया हुआ है चिड़िया ने। अरे लक्की ये देखो, ये देखो लक्की बहुत प्यारा दोस्त बन गया हमारा। और ये कल शाम को ही आया बस, और अब इसकी बहुत धमाकेदार ट्रेनिंग शुरू होगी। और ये चीज मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ना एक भैरव वाली एज में आया है वो डॉग में 50% चांस होते हैं भाई वो ट्रेन होगा या नहीं होगा, क्योंकि एग्रेशन आ जाता है उन डॉग्स में, ठीक है। और इस एज में आप ट्रेन करा लोगे तो परफेक्ट है, परफेक्ट। इसकी वैक्सीन होगी है, बस इसका एक रेबीज का लगना है वैक्सीन का, और सारी इसकी वैक्सीन क्लियर है, और वो सारा भी रिकॉर्ड हम बनाते हैं, इसके डाइट चार्ट, डाइट प्लान सब हम बनाएंगे, और सब चीज इसके यहाँ पे होगा। सो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था, आज सुबह लक्की आया था, शाम को हमारी बेला और आ गई है। ये सर है हमारे, कैसे सर? बहुत बढ़िया। और बेला ये हमारी गोल्डन रिट्रीवर है, और ये भी ट्रेनिंग के लिए आई हुई है हमारे पास। सर लोकली है, हिसार से है, और हिसार के हमारे पहले जो कस्टमर जुड़े हैं ट्रेनिंग के लिए। तो अच्छा लगा सर वैसे फैसिलिटी? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बाहर अच्छा एनवायरमेंट है, पार्क वगैरह है, पेट के खेलने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। ये देखो भाई ये हमारी है ना, ये बेला है, और इसकी अब इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी, इसकी वैक्सीन लगी है आज, तो शुरू करते हैं इसका सारा प्रोसेस। और अच्छा आपको भी आज ये बेला का बड़ा भाई है, ये बेला का बड़ा भाई है, बेला हमारे पास रहेगी अब थोड़े दिन, ठीक है। आप जैसे स्कूल में आते हो, ये भी स्कूल में आई हुई है, बस ये आपका स्कूल बहुत ज्यादा लंबा है, ना बाहर नहीं कर रहे, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर अब इसकी अपडेट देते रहेंगे आपको पेट दोस्ती चैनल पे, आपको भी अपडेट मिलेगी सर सारे चैनल पे देखते रहना। भाई बेला और लक्की साथ में रह रहे हैं, ये दोनों एक साथ रहेंगे, लक्की का दोस्त आ गया बेला। दोस्तों व्लॉग कैसा लगा आपको? बेला के लिए मैं ज्यादा व्लॉग नहीं दिखा पाया क्योंकि बेला जस्ट अभी आई थी, सो नेक्स्ट व्लॉग से बेला और लक्की के बारे में, दोनों के बारे में पूरे व्लॉग्स में दिखाया जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसे लगे वीडियो, दोनों बच्चे प्यारे हैं ना। और अगर आप लोगों को भी अपने डॉग्स की ट्रेनिंग करवानी है, या डे बोर्डिंग में रखना है, या रॉटवाइलर और गोल्डन रिट्रीवर के पप्पीज लेने हैं, सो आप पेट डोमेस्टी के नंबर पे कॉल कर सकते हो जो स्क्रीन पे भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। गोल्डन रिट्रीवर के पप्पीज जो फीमेल है वो अवेलेबल है अभी। सो इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे,